लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज चैप्टर नेम ब्रांच। ब्रांच के अंदर हमने क्या देखा था सर? सिर्फ ब्रांच हो तो ऐसे सिचुएशन में हमें दोनों ब्रांच करने होते हैं, आपको फॉरेन ब्रांच भी और इंडिया की ब्रांच भी। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है सर? इनलैंड ब्रांच है, और इस ब्रांच के अंदर हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं? डिपेंडेंट ब्रांच। इसके अंदर भी दो पार्ट है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इससे रिलेटेड हमें दो सिस्टम बताए थे इसके अंदर होंगे, डेटर सिस्टम है और एक स्टॉक डेटर सिस्टम है। डेटर सिस्टम में हमें मेनली तीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसका हमने एक फॉर्मेट देख लिया था और एक बुक का क्वेश्चंस भी देखा था शायद। हाँ यही था शायद। हाँ चलिए, इसके बाद अब जो बच्चे नए एनरोल हो रहे हैं उनको स्टार्टिंग से ब्रांच देखना चाहिए। एग्जाम के बहुत कम समय बचा है आपका, ये होमवर्क में दे दिया था आपको, करेक्ट? अब ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, किसी से हुआ ये क्वेश्चन बताओ? हुआ क्वेश्चन? नहीं, आप सबको एक ही प्रॉब्लम। चलो बना ले अकाउंट, ये बना लिया ब्रांच अकाउंट, और इसी के साथ साथ बना लिया जाए एक डेटर अकाउंट जो हर बार बना लेते हैं। इसको हमें पहले छोटा करना पड़ेगा। और हियर, चलो इधर रख देते हैं इसको। चल ये बना लिए एक छोटा सा डेटर अकाउंट, और दूसरा है हमारा एक बना लिया ब्रांच अकाउंट। बाकी पर्टिकुलर अमाउंट ये सारी चीजें लिख लोगे। थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं इसको, ठीक है? चलिए सर देखिए, इलिस्ट्रेशन टू है, कहता है एबीसी इनवॉइस्ड गुड्स, इट्स ब्रांच वेस्ट बंगाल, द ब्रांच सेल गुड्स क्रेडिट एज वेल एज कैश फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कोलकाता। कहता है गुड्स रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। तो सबसे पहले देखो, एबीसी लिमिटेड है और इसका एक ब्रांच है कहां पे? वेस्ट बंगाल, ठीक है? तो भैया ये इसका ये ब्रांच है हमारा, तो जो ब्रांच है हमारा, तो अगर इसको अगर ये बोला जाए, इसने क्या बोला? गुड्स रिसीव फ्रॉम, तो भैया जब यहां से सामान जाएगा तो यही तो बोलेगा ब्रांच के, हमने रिसीव किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे गुड सेंट हो गया। ये सर कितने रुपए का भेजा गया है? 25,400, ठीक है? इसके बाद गुड्स रिटर्न टू एबी, तो रिटर्न का मतलब बाय रिटर्न कितने का? कितने? 350। कहता है कैश सेल्स है, तो बाय रेमिटेंस सर कैश में 16,000। आगे कहता है क्रेडिट सेल्स, तो डेटर में आ जाता है क्रेडिट सेल्स, कितने रुपए? 30,000। इसके बाद अलाउंसेस टू कस्टमर, दैट इज आपका ये डिस्काउंट है एक तरीके का,
जो कस्टमर को देते हैं। तो ये बाय साइड में आ जाएगा, अलाउंसेस कितने, हाँ एक 150, जनरल ट्रेड चार्ज 650, तो टू जनरल ट्रेड चार्ज 650। इसके बाद रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, तो बाय सेल्स रिटर्न दैट इज 300। बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने का 300। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, यहीं आ जाएगा ये भी, डिस्काउंट कितने 1200 रुपये। इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, यहां आ जाएगा फ्रॉम डेटर कितने रुपए, 24,600। इसके बाद है रेंट एंड रेट्स, कहाँ आएगा यहां पे, कितने हैं रेंट एंड रेट्स। इसके बाद क्या है, यहीं पे आ जाएगा 3,000। इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो यहां पे आ जाएगा टू ओपनिंग, इसमें क्या दिक्कत था, 13,100, क्या नहीं है, कितने आ गए, क्लोजिंग तो बाय क्लोजिंग स्टॉक का कितना है, अब डेटर यहां से निकाल लेंगे, तो कैश दिया है तो कैश भी तो यहीं आ जाएगा, दैट इज कैश कितने का था हमारा, 24,600। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देख लेते हैं, क्या पता मैच ही हो जाए, 24,600, 1200, 150, 300, 300, ये 30,000 आ गया और ये 30,000 आ गया। माइनस करोगे तो क्या आएगा, बैलेंस सीडी, 30,000 माइनस 24,600 माइनस 1200 माइनस 150 माइनस 600, 3450। तो ये क्या आ जाएगा डेटर, बस अब इसका टोटल कर दो, था नहीं क्वेश्चन में, आपने जानबूझ के छोड़ा है क्वेश्चन, इक्यावन, दोनों जगह क्यों आया, क्योंकि दोनों जगह कैश कलेक्शन आता है तभी तो निकलेगा। डेटर में भी लिखते हैं और वहां भी लिखते हैं, दोनों जगह आता है। लास्ट क्लास के फॉर्मेट में देखो आप, टू नेट प्रॉफिट 8,800। गुड इवनिंग, फॉर्मेट देखो, लास्ट क्लास में नोट किया है फॉर्मेट आपने, तो उसमें दोनों जगह है, एक ही जगह है, वही है कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, दोनों चीजें, ठीक है।